वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री और पश्चिमी राजस्थान के दिग्गजों में हुआ है मंथन। जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ है मंथन। साथ ही लोकसभा के बूथ स्तर तक भारी जीत की बनी योजना। नव मतदाता अभियान, सामाजिक सम्मेलन, बुद्धिजीवी वर्गों के सम्मेलन, युवा सम्मेलन की बनी है बड़ी बड़ी योजनाएं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी बैठक और तमाम रणनीतियों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। साथ ही बूथ के स्तर पर भी अब यहाँ पर एक्टिव मोड में जो लोग हैं वो नजर आएंगे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम आवास पहुंचे हैं और साथ ही सीएम और पश्चिमी राजस्थान के दिग्गजों में यहाँ मंथन होना है। युवा सम्मेलन की भी बड़ी योजना यहाँ बनी है और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी इसमें मौजूद रहे हैं। तो ओटीएस आवास पहुंच गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, बैठकर मीटिंग होगी, तमाम रणनीतियों पर यहां चर्चा की जाएगी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और बूथ स्तर पर भी। और लाल सिंह फौजदार हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, ये मीटिंग कब तक शुरू होगी और साथ ही क्या कुछ रणनीतियों पर यहाँ चर्चा हो सकती है? देखिए, समझ ये मुलाकात काफी अहम इतिहास से हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी लालू सिंह राठौर के समर्थक जयंत सिंह शेखावत के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ये आरोप लगाते हुए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब मंच पर दोनों नेताओं ने मंच त्याग किया, जयंत सिंह शेखावत के जाते ही लालू सिंह राठौर ने जयंत सिंह शेखावत को लेकर के यहाँ पत्रकार बातें कही। यहाँ तक कहा कि जोधपुर से नहीं आते, दिक्कत से आते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा था। कल ही सीएमओ से एक कॉल गया, कॉल जाते ही तुरंत ही बाबू सिंह राठौर ने धरना समाप्त कर दिया, उनको सीएमआर बुलाया गया। इसके साथ ही जयंत सिंह शेखावत को बुला गया, दोनों नेताओं को बिठाकर समझाया गया है ये पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय का समय जो है वो पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लोकसभा का चुनाव है, 25-25 सीटें जीती है। आपकी मनमुताब या आपकी बयानबाजी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, लिहाजा दोनों नेताओं के बीच अगर कुछ गलत फहमियां थी तो दूर कराई गई, टीम ने दोनों को बिठाया। लोकसभा के रण को कैसे जीतना है इसको लेकर रणनीति बनी, जोधपुर को लेकर कैसे। ठीक है लाल सिंह, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।